या नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए और सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा है। और ये जो हम जहाँ रुके हैं ये ज़िला सरगोधा लगता है। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो भाई आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। और आज जो है डे टू है हमारा, हमने सियालकोट में स्टे किया था। जैसा कि आपने देखा था कि कराची से हम डायरेक्ट सियालकोट आए थे, और सियालकोट में हमने स्टे किया था फर्स्ट। अब सेकेंड जो हमारा सफ़रनामा जो है ना वो है सियालकोट से बालाकोट जाने का। कोशिश तो हमारी थी कि आज ही हम बाबूसर टॉप क्रॉस करें, क्योंकि बाबूसर टॉप पे कह रहे हैं कि स्नोफॉल हो सकती है इन लोग किसी भी दिन। खैर हमने कहा कि नहीं, हम इतना सफ़र नहीं करेंगे, तो हमने फाइनली ये डिसीजन लिया कि हम बालाकोट पे ही स्टे करेंगे आज। तो भैया आज का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, और सफ़र का आगाज़ तो हमने वैसे ही स्टार्ट कर दिया है। ये हम मोटर वे पे चल रहे हैं अभी, और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना और आप लोगों ने भी इंजॉय करना है। तो चले ना आज का लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हम जो है इस टाइम इस्लामाबाद मोटर वे पे आ गए हैं, और जो हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और साथ साथ जो हमारे होते हैं वो बोर, उनको हम होने नहीं देते बिल्कुल। तो वो लोग जो हैं वो इस टाइप की मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, और माशाल्लाह से हमारा लंच बॉक्स भी ऊपर ही रखा हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए यहाँ पर। बाकी हम तो भाई ड्राइविंग के ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस होता है बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि हम कुछ रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और देखते हैं कि हम कहाँ रुकते हैं खाने के लिए, जो भूख तो भाई टाइट वाली लग रही है आपके भाई को। तो जनाब आला इस टाइम हम इस्लामाबाद मोटरवे पर हैं, और यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ वीडियो में है ना, तो हमने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इन्जॉय किया कराया जा सकते हैं। ये कितना ज़बरदस्त व्यू हुआ है, और ये हमारी गाड़ी और गाड़ी के साथ साथ पीछे ही है। तो बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त सीन है, और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ठंड है। हम जो है ना इस टाइम रुके हैं नमाज़ वगैरह के लिए, क्योंकि जुम्मे का दिन है। और ये पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो हम जा रहे हैं अंदर नमाज़ के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए, हार्डीज भी बना हुआ है, बाकी मैकडोनल्ड और केएफसी का तो हमने बायकॉट किया हुआ है। तो बस यहाँ थोड़ा खाना पीना करके थोड़ी हमारी गाड़ी अंकल जो है वो थोड़ा साफ़ वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए, और फिर आएंगे खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं हम आज खाने में। तो भैया हमने सोचा कि आप लोगों को ये दिखाया जाए कि कितने नीट एंड क्लीन, मतलब वज़ू खाने बने हो, सब वज़ू खाने के ऊपर ये सोप भी रखे गए हैं अच्छे तरीके से, और मस्जिद भी जो है बड़ी खूबसूरत है, वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने हुए हैं सामने, और ये पीछे का व्यू है और ये मस्जिद। भैया नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, और सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा है। और ये जो हम जहाँ रुके हैं ये ज़िला सरगोधा लगता है, और इसका जो स्टॉप है बहरा के नाम से ये मतलब पूरा स्टॉप है। तो अब हम शायद कुछ खाने का सोच रहे हैं, तो हमारा प्लान बन रहा है सामने हार्डीज़ का। तो भाई हम सोच रहे हैं कि हार्डीज़ जाया जाए और हार्डीज़ में बैठ के खाया जाए, क्योंकि हार्डीज़ की जो वर्ल्ड कप वाली डील चल रही है ना बड़ी ज़बरदस्त है। तो प्लान तो यही बन रहा है, तो चलते हैं अंदर, और अंदर जाके बताते हैं कि क्या खाते हैं। तो भैया हम आ गए हैं अंदर हार्डीज़ पे, और हार्डीज़ का जो है ना हमने वर्ल्ड कप डील ली है, तो वो ट्राई करेंगे। तो जनाब आला हमारा जो खाना है ना वो आ गया है, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, तो इसलिए हमेशा की तरह देखना आपने खाना मैंने। और सबसे बड़े मज़े की बात मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो अनलिमिटेड है भाई, जितनी चाहें उतनी पिए आप। तो भैया ये जो कोल्ड ड्रिंक है यहाँ से हम जितनी चाहें अनलिमिटेड ले सकते हैं, तो बस ज़्यादा नहीं, गला ख़राब हो जाएगा क्योंकि मौसम भी ऐसा है, तो हम अपने हिसाब से ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे।
तो भैया खाना वगैरह तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा और बिल्कुल वीआईपी रहा, पेट फुल हो गया आपके भाई का। और हम लोग इस टाइम ज़िले सरगोधा के अंदर मतलब मेन हाईवे के ऊपर, ये लगता है बहरा के नाम से एक पूरा आरामगाह है ये, तो यहाँ पर सारे सब चीज़ें मिलेंगी आपको, सब चीज़ें, ग्लोरिया जीन्स, केएफसी, मैकडोनल्ड, हार्डीज वगैरह, उसके अलावा कढ़ाई वगैरह, बट कढ़ाई वगैरह हर चीज़ मिलेगी। खैर नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, सब कुछ खाना वाना खा लिया, अब हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा गामजन हैं और हम जा रहे हैं बालाकोट। और इंशाल्लाह आप लोगों से अब अगर कहीं रुकते हैं, वैसे तो हमारा कोई नहीं है इरादा कि हम कहीं रुकें, तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से डायरेक्ट बालाकोट के पहाड़ों पर मुलाकात होगी हमारी। चले ना, चलिए आप भी हमारे साथ बालाकोट। इस टाइम जो है जनाब आला, हम पहुंच गए हैं कर कहार और माशाल्लाह से खूबसूरती जो है ना वो अब स्टार्ट हो गई है हमारी, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ ड्राइव करते हुए, क्योंकि अपने गाड़ी में बाय रोड सफ़र करने का मज़ा ही अलग है भाई, मज़ा ही अलग है। फुल यकीन करें, फील ऐसे आ रही है कि जैसे हम आउट ऑफ कंट्री ड्राइव कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी सफाई सुथराई पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर मोटरवे पे। और अब जो है KPK लग जाएगा हमारा इस्लामाबाद के बाद, तो खैर तो बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है हमारा और बहुत मज़ा आ रहा है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को भी व्लॉग देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो जनाब आला, फाइनली हम जो है इस टाइम बालाकोट पहुँच गए हैं और होटल डिमांची में, पहले वाले अपने होटल में जहाँ पे हम रुके थे जनवरी के अंदर। तो भाई अब अंदर चलते हैं और सामान वामान थोड़ा रखते हैं और रेस्ट करते हैं और फिर खाने के लिए कुछ मंगाते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, भूख लग रही है। तो चलें देखते हैं आज खाने में मेन्यू क्या है इनका। तो जनाब आला, फाइनली यासिन भाई को बड़ी भूख लग रही थी, तो हमने होटल डिमांची की जो है वो कढ़ाई मंगवाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है, और सॉरी कढ़ाई ये थी, हांडी वो है, तो बड़ी ज़बरदस्त है। ओ गिर गया मुझसे। तो भाई हमेशा की तरह खाना मैंने है और देखना आप लोगों ने, तो भाई खाने दीजिए हमें भी, अब थोड़ा बहुत आप लोगों को ही दिखाते रहेंगे तो हम कैसे खाएँगे फिर। जनाब आला, खाना बहुत बेहतरीन था, सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा, और आप लोगों ने भी आज का व्लॉग जो है बहुत इन्जॉय किया होगा। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर अगले दिन, और देखते हैं कि अगले दिन हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।